प्लेयर या आपको लगता है वहां से? वहां से तो विराट कोहली है, ठीक है, और हमारा वो जो नया एक मुस्लिम बॉलर आया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मोहम्मद सिराज, ठीक है, वो हमारा मुस्लिम बॉलर ना के ये के वो इंडिया वालों का बॉलर है, लेकिन मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अफगानिस्तान जो है मैच जीत गया, नेपाल के अंदर भी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, बांग्लादेश, हर कंट्री जो इसको सेलिब्रेट कर रही है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया, इस पे क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इसकी वजह है या दूसरी कौमों का ग्रज? एक्चुअली इरफान पठान अब एक रिटायर्ड क्रिकेटर है और वो एक तजिया कार है, अब ठीक है उन्होंने एक डांस किया है राशिद खान के साथ, तो अगर उन्होंने किया तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, ठीक है, उन्होंने जीता है, वो अपनी मेहनत से जीते हैं। हाँ, अगर वो चाहते हैं हम पाकिस्तान सेमी से बाहर हो तो हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम भी यही चाहते हैं कि इंडिया सेमी से बाहर हो। जली ना, तेरी भी जली ना। इस वक्त बाबर आजम की कैप्टेंसी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। बाबर आजम बेसिकली बाई बर्थ कैप्टन है ही नहीं, ठीक है, उस पर कैप्टेंसी का जो बर्डन एक डाला हुआ है ना वो तो फिल फॉर उतारना चाहिए। वो एक अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, उसका फोकस प्रॉपर उसके बैटिंग पे होना चाहिए, वो अपना बैटिंग डिपार्टमेंट बेहतर कर ले, ठीक है। विराट कोहली पे भी एक टाइम आया था, वो भी अंडर प्रेशर हो गया था, नहीं चल रहा था, इंडियन ने उसे जो है वो क्रिकेट मैनेजमेंट ने रेस्ट दिया, कप्तानी वापस लिया और उसने कमबैक किया, नो डाउट अब वो हर मैच में 50 प्लस कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान को सेमीफिनाले में देख रहे हैं? नहीं। क्या लगता है आने वाले मैचेस में वो लोग जीत कर ऑपोजिशन से पाकिस्तान को सेमीफिनाले में लाएंगे या फिर हार के पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करवा देंगे? इसमें भी दो बातें हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है ना अपने ऊपर एक हार का दाग लगाएगा, मस्त ये कि पाकिस्तान हार जाए। दूसरी बात ये कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पाकिस्तान जो है ना, एक तो होता है कि अगर पाकिस्तान कोई स्ट्रॉन्ग टीम होती, इस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो आके जो है ना इंडिया को चैलेंज कर सकती, इंडिया को पता है कि हमारे टक्कर का ही नहीं है, तो इंडिया इस तरह के जो है ना वो डिसीविंग टैक्टिक्स मेरे ख्याल से कंपटीशन बनता ही नहीं है, करने का बनता ही नहीं है, तो कहते जो भी आए हम निपट लेंगे, हम रगड़ा लगा लेंगे। क्या लगता है आपको कि अब सिर्फ घर की टिकट करवाना बाकी है, वापस आना बाकी है, सेमीफाइनल की कोई उम्मीद बची है? आपको लगता है कि आगे जो मैचेस हैं उनमें कोई जीतने की उम्मीद है? सर मुझे तो लगता है जितने भी इंडिया के पंडित हैं ना इस वक्त, अच्छा, वो मंदिरों में बैठे हुए हैं सर, अच्छा, और डे नाइट वहाँ पे इनके ऊपर जो है ना कुछ फूंका जा रहा है, अच्छा, और टीम हमारी जल्दी वापस आ रही है बस। नहीं, सर, ये कैसी लॉजिक दी है? देखे मैं एक मिनट के लिए बात करता हूँ, आज के, और आप सर टीचर हैं, आपने ये मजाक में बात की होगी या सीरियस बात की है? और सर बड़ी बात है उधर, वो तो एक एक स्टेप के ऊपर पंडित जो बैठ के वो जायचे निकालते हैं ये वो, तो कुछ भी बात करें, हर जगह पाकिस्तान में इवन जो एड्स हमारे यहाँ पे चल रही हैं बाबर आजम को लेके, उसमें भी लिखा जाता है जी किंग बाबर, लेकिन आपको लगता है कि हमारा मतलब बाबर आजम का और विराट कोहली का कोई कंपैरिजन है इस टाइम जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं और जैसे ये परफॉर्म कर रहे हैं? सर एक बात है जो बात करने वाली, अच्छा, है, बाबर आजम इज द ओनली द वन बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो तो उसकी कोई बात ही नहीं है, तो फिर इधर इस वर्ल्ड कप में क्यों नहीं साबित कर रहे, मैच विनिंग प्लेयर क्यों नहीं बन रहे, 50 करते हैं वापस। वो जो मैंने पहले बात की है सर, बस पता नहीं क्या हो जाता है टीम को, कोई कॉन्फिडेंस का लैक हो जाता है, सिस्टम समझ नहीं आती। अबे साले, पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर आपके लिए कौन सा है और इंडिया की अगर बात करें, क्योंकि मुझे अगर नजर ये आ रहा है कि इस वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया जरूर जाएगी, तो कौन सा बेस्ट प्लेयर या आपको लगता है वहां से तो विराट कोहली है, ठीक है, और हमारा वो जो नया एक मुस्लिम बॉलर आया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मोहम्मद सिराज, ठीक है, वो हमारा मुस्लिम बॉलर ना के ये के वो इंडिया वालों का बॉलर है, लेकिन मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है। और दूसरा पाकिस्तानी टीम से मुझे बाबर आजम, नसीम शाह और मोहम्मद रमजान, ठीक हो गया, रिजवान, ये मुझे बेस्ट प्लेयर्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे वर्ल्ड कप आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इंशाल्लाह मेरे मुताबिक जो है ना वो इंग्लैंड लेके जाएगा, ठीक है, इंग्लैंड, आपको पता है इस टाइम के 6वें 7वें नंबर पे ऑलमोस्ट, इंग्लैंड तो अफगानिस्तान से भी सर वैसे आपस की बात, इंडिया नहीं ले जाना है उनकी पावर, जारी बात है, जब उनका टफ कम्पिटिटर पाकिस्तान है और वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है तो उनको फायदा है इंडिया को।
क्या बोला तूने? तो वो इसलिए खुश होंगे अब। आपने क्या बोला? पाकिस्तान उनको कम्पीट कर सकता है, पाकिस्तान कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। कंपैटिबली पाकिस्तान की कंपैटिबिलिटी कितनी है इस वक्त आप देखो? कंपैटिबिलिटी पाकिस्तान की बिल्कुल भी नहीं है उनके साथ, लेकिन वो अपना कंपैटिटर समझते हैं और हम भी समझते हैं, क्योंकि नहीं समझते, उनको जरूरत ही नहीं है समझने की। आप देखो पिछला रिकॉर्ड उठा के, आप देखो किस तरह से मैचेस चल रहे हैं। हम जीते कोई नहीं, वो हारे कोई नहीं। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन ये दोनों जो है कंट्रीज का आपस में वो रहता है थोड़ा, तो इस वजह से कंपैटिटर्स ये हैं ही, क्योंकि एक दफा हमने भी इनको हराया था 150-155 पर टारगेट, जीरो विकेट पे पूरा किया हुआ था वर्ल्ड कप। एक दफा जैसे हम एक वर्ल्ड कप जीत के आज तक उसी के नारे जो है ना पूरे हर जगह दुनिया में उड़ाते फिरते हैं, वही एक दफा हमने जो 150 कर दिया आज हम उसका अभी तक याद, आज हम उसका कर रहे हैं। और एक दफा पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे जब फखर जमाने से आई थी, वो सब छोड़ दें जो जीते थे, वो भी बहुत कुछ जीते हैं। आप देखें कि विराट कोहली ने कितनी सेंचुरीज बनाई है और अपने प्लेयर्स का स्कोर देखें जरा। वो तो बस हमारे तो प्लेयर्स नामी प्लेयर्स हैं, ये बाबर आजम वगैरह कोई बड़े मैच में परफॉर्म नहीं किया। इंडियन टीम को क्या कहेंगे? इंडियन टीम को मैं यही कहूंगा कि वर्ल्ड कप उनका ही है, क्योंकि क्राउड उनके साथ है और वर्ल्ड कप भी उनका ही है। जो हमारे साथ मैच में हो चुका है, तो क्योंकि मैच में हमारे साथ हो चुका ही, हम कर चुके हैं अपने साथ, नहीं हमने कर किया तो है, लेकिन मैं देख रहा था कि क्राउड भी देखे ना, क्राउड सारी कह रही थी कि बाप बाप है, इंडिया के साथ मैच पाकिस्तान का हो रहा था, तो जब इस तरह की बातें सुनेंगे अपने प्लेयर्स, वो क्या परफॉर्म करेंगे, उनको ऐसी प्रेशर में। हमने जो इतना मोटिवेट करके भेजा था, हमारी जो लाखों करोड़ों की आवाम उनको जो है ना एयरपोर्ट तक छोड़ने गई थी, वो मोटिवेशन भूल गए थे। वो क्राउड है इंडिया में बिल्कुल भी ना, उनको वीजा मिल रहा है। अच्छा एक मिनट, चलो मान लिया इंडिया का नहीं है, बाकियों का भी तो क्राउड नहीं है ना, इंडिया का तो चलो क्राउड है, बाकी लोगों का क्राउड नहीं है, बाकी कंट्रीज का, वो भी तो खेल के जा रही है, हम तो उनसे भी नहीं जीत पा रहे, उनको कौन मोटिवेट कर रहा है वहाँ पे? ये तो आपकी बात है, लेकिन तो फिर सोचो जरा सर, उनकी जो टीम बनती है ना वो 1.5 अरब आवाम में से उन लोगों ने, ये 11 टीम के बंद पता नहीं वो कहां कहां से ये टैलेंट लेके आते हैं, बड़ी हैवी टीम है उनकी है। और पंडित भी उनके पीछे हैं, ये भी सर बड़ी वो आखिर अच्छा। उनका भी रिलीजन है ना, वो भी एक वजूद रखता है सर है। अगर सिर्फ आबादी की बात करें, देखें यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सी ये गपशप हो रही है। अगर सिर्फ आबादी की बात करेंगे, भाई 1.5 अरब आबादी है तो इसलिए उन्होंने चुन चुन के 11 प्लेयर लाए, इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे आज जो हमारा मैच हुआ है या साउथ अफ्रीका के साथ या न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, हमसे ऊपर है ग्राफ में, तो उनकी तो आबादी हमसे कम है, फिर वो कैसे ऊपर निकल गए? आबादी मतलब उनकी कम है, वहाँ पे हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है, वहाँ पे ना पॉलिटिक्स है ना वहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग है, जो बंदा मेरिट पे खेलता है उसको लेके आते हैं वहाँ। अच्छा अगर बात हम करें बाबर आजम की, बात करें किंग बाबर कहा जाता है और विराट कोहली के साथ उनका कंपैरिजन किया जाता है, इस वर्ल्ड कप की इस टूर्नामेंट की अगर बात करें, जिस तरीके से विराट कोहली परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरीके से बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई कंपैरिजन बनता है उनका? देखें मैं बात फिर वही कहूँगा कि विराट कोहली का बाबर आजम के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। विराट कोहली बिग एम स्पोर्ट्स में ये बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और वो प्रेशर को हैंडल करना जानता है, आउट होने के बावजूद इनिंग्स को बिल्ड करना फिर विक्ट्री की तरफ लेकर जाना ये वो जानता है, वो बेहतर जानते हैं। हमारे लड़कों को हमारी टीम को ये चीज़ें अभी सीखने की बहुत ज़रूरत है और इसमें हमारी प्रॉब्लम है हमारे मैनेजमेंट की, हमारे कोचेस की और हमारी जो मेंटोल जो सारी कमेटी है, ये काम सिखाना इनका काम है। वर्ल्ड कप जीता कौन नजर आ रहा है, फाइनल में सेमीफाइनल में कौन सी चार टीमें जाती नजर आ रही हैं? देखें जी, जो मुझे सेमीफाइनल पर टीमें नजर आती नज़र आ रही हैं वो तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और तीसरी जो सी टीम वो मुझे नज़र आ रही है ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके कुछ